नमस्कार खम्मागणी, राम राम। आज हम आपके लिए फिर से एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आए हैं राजस्थान की, जो है हमारी मूंग दाल की सब्जी, जिसे हम मोगर की सब्जी भी कहते हैं। ये सब्जी काफ़ी डिलीशियस होती है और काफ़ी अच्छी बनती है। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी और हेल्दी होती है। सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारी रजवाड़ी रसोई को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मोगर बनाना हम शुरू करते हैं। तो मोगर बनाने के लिए हमने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। इस मूंग की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था ताकि ये पानी को अच्छी तरीके से सोख कर ले। ये देखिए हमारी मूंग की दाल अच्छे से भीग चुकी है और अब हम इससे मोगर बनाएंगे। एक्चुअली भीगने से क्या होता है कि ये ईजीली कुक हो जाती है, और वैसे मोठ की दाल का भी मोगर बनता है, आप चाहे तो मोठ की दाल का भी बना सकते हैं, पर मूंग दाल का काफ़ी टेस्टी मोगर बनता है। तो ये देखिए मूंग दाल अच्छे से भीग चुकी है और आपको भी इसी तरीके से भिगोनी है, और अब हम मोगर बनाते हैं। हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है कसूरी मेथी, ये है धनिया पाउडर, ये है अमचूर, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये मैंने लिया है हरी मिर्च, और इसके अलावा है हींग। आप चाहे तो लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज के बिना ही बहुत अच्छा बन जाता है ये, इसलिए मैं यहाँ पर लहसुन प्याज स्किप कर रही हूँ। तो चलिए अलग अंदाज में आज मैं आपको मोगर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। मोगर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म करते हैं, और इस कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई, और राई के साथ ही हम इसमें जीरा भी डालेंगे। तो हमने ये राई और जीरा डाल दिया है, और तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो राई और जीरा हमारा चटक रहा है। और अब हम इसमें हमारी मूंग दाल डालते हैं। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हींग डालते हैं, हींग से इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। और अब मैं डालती हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। और लाल मिर्च डालने से पहले मैं इसमें हरी मिर्च डालती हूँ, जिसको मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसमें तीखापन हरी मिर्च से दूंगी। और अब मैं डालती हूँ हमारा लाल कटा हुआ टमाटर, और अब हम इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी सब्जी का कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर अमचूर मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि हम यहाँ टमाटर डाल रहे हैं। अगर हम टमाटर नहीं डाल रहे होते तब हम अमचूर डाल सकते थे। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप अमचूर और टमाटर दोनों डाल सकते हैं। तो ये देखिए मोगर हमारा कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। तो पूरा 1 ग्लास पानी हम डालेंगे, जिससे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए और ये पक भी अच्छा जाए। आप चाहे तो सूखा मोगर भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी वाला ज़्यादा यम्मी लगता है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। मोगर हमारा अच्छे से पक जाए इसके लिए मैं कढ़ाई के ऊपर एक थाली लगा कर रख देती हूँ, या कोई भी कढ़ाई जिस पर आप ढक्कन भी लगा सकते हैं, और कम से कम 2-3 मिनट के लिए हमें इसे ढककर ही रखना है। ये मोगर को आपको ढक के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ही भूल जाएं। आपको प्लेट को उतारना है, ढक्कन को उतारना है, और इसको बीच बीच में चलाते रहना है, और आपको ये चेक करना है कि आप अच्छे से कुक हो गया है कि नहीं। तो इसे अभी और पकाने की ज़रूरत है, तो मैं इसे चला के फिर से एक बार ढक्कन लगा के, यानी कि प्लेट लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर और कुक होने के लिए। करीब 5 मिनट कुक करने के बाद हम चेक कर लेते हैं, और ये हमारा मोगर पककर तैयार हो चुका है। और अब हम देखिए इसको अच्छे से पहले चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मोगर पककर तैयार हो चुका है, और जो चीज़ हमने स्किप की थी लाल मिर्च, अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं। तो ये हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, और अब टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये आप देखिए हमारे मोगर का कलर कितना अच्छा आया है। तो ये हमारा मोगर बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये मोगर सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच का बाउल लिया है और अब हम इसमें ये मोगर डालते हैं। काफ़ी अच्छा बनता है ये और प्रॉपर दाल की सब्जी है तो काफ़ी हेल्दी भी होती है ये। इसे आप दाल की सब्जी भी बोल सकते हैं। घर में जब कुछ ना हो, किसी भी तरह की सब्जी ना हो बनाने के लिए, तो झटपट इसे बनाया जा सकता है। राजस्थान में ये काफ़ी मशहूर है, आप जब चाहें तब इसे बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए रजवाड़ी रसोई में बना हुआ हमारा ये मोगर कितना सुपर डिलीशियस लग रहा है। जितना अच्छा ये दिखाई दे रहा है ना, खाने में भी ये उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप इसके साथ बनाते हैं लहसुन की चटनी तो फिर क्या कहने इसके टेस्ट के। तो ये हमारा मोगर हमने इस कांच के बोल में सर्व कर लिया है। और वैसे तो आप इसे हरी मिर्च के साथ खाएं, लेकिन मैं हरी मिर्च का यूज़ इसे गार्निश करने के लिए भी कर रही हूँ। तो दोस्तों रजवाड़ी रसोई में हमारी ये सुपर डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। आपको ये सब्जी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताना। आप इसे बनाएं, खाएं और इसी तरह की दूसरी राजस्थानी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारी रजवाड़ी रसोई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।